धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले निसरपुर ब्लॉक में कन्या आवासीय शिक्षा परिसर प्रस्तावित हुआ था, जिसके चलते ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि निसरपुर शहर को मिल रहा करोड़ों रुपए का कन्या आवासीय शिक्षा परिसर प्रस्तावित होने के बावजूद अन्य यत्र ग्राम दोहद में इसकी जगह चयन की जा रही थी, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों ने आज नायब तहसीलदार कुणाल अवाश्रेया को ज्ञापन देकर उसे मंजूर ग्राम किया और ग्राम में ही जगह का चयन कर शीघ्र कार्य शुरू करने की बात कही है, जिसके लिए ग्रामीणों ने जगह भी दिखाई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बिना पूछे जगह चयन करने को लेकर ग्रामीणों में रोष भी था और अगर तय ग्राम में इसका निर्माण नहीं किया गया तो चक्का जाम और उग्र आंदोलन की बात ग्रामीणों ने कही। परिसर को लेकर ग्रामीणों ने जो ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? ये कन्या शिक्षा परिसर है जो कि मसरपुर के नाम से स्वीकृत हुआ है, इसकी भूमि आवंटन से संबंधित कुछ मामला मेरे सामने आया है। ग्रामवासियों का कहना है कि कन्या शिक्षा परिसर अगर मसरपुर के नाम से है तो वो मसरपुर के राजस्व सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं थी तो इसके लिए दाहोद ग्राम है जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है, वहाँ पर भूमि का चयन किया जाकर वहाँ पर आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। अब ग्रामवासियों की इच्छा अनुसार उनका कहना है कि यहाँ पर भूमि उपलब्ध है तो एक बार भूमि का संरक्षण और मैं अपने स्तर से कर लेता हूँ, और अगर भूमि पर्याप्त उपलब्ध होगी और जो उनकी जो भी क्राइटेरिया है कन्या शिक्षा परिषद का, अगर वो सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके आवंटन के लिए संशोधित प्रस्तावित मतलब बना के हम भेजेंगे, प्रकरण बना के पुनः भेजेंगे। आवासीय कन्या परिसर जो निसरपुर में मंजूर हुआ था उसे कई अन्यंत्र जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते आप ज्ञापन देने हैं, क्या कहा तहसीलदार महोदय ने? तहसीलदार साहब ने ये कहा कि आप उचित इस जगह बताइए, अगर ऐसा आप लोग जगह उपलब्ध करा देंगे तो मैं आगे कलेक्टर साहब से चर्चा करके उसके स्थान परिवर्तन करवा सकता हूँ। तो हमने माननीय नायब साहब को हमने यही अवगत कराया और साथ में बीओ साहब भी थे कि जब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर या आवासीय सेंसन हुआ है तो उसकी जो भूमि की चयन प्रक्रिया है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी है उन लोगों से अधिकारियों ने चर्चा करना चाहिए। बिना उनसे चर्चा किए इनके द्वारा इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर जगह उपलब्ध नहीं है और उन्होंने उसका प्रस्ताव दूसरी जगह भेज के कर दिया है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हम वो जो जगह मांग रहे हैं वो 10 एकड़ के लगभग मांग रहे हैं, हमने ये कहा है कि 10 से हम आपको 20 एकड़ जगह देते हैं, लेकिन जिस गांव में जिसकी स्वीकृति हुई है उसी वहीं पर वो बनना चाहिए, और इसीलिए आज सब ग्राम की जनता अगर आवासीय परिसर अगर नहीं बनता है तो क्या करेंगे? अगर आवासीय परिसर अगर नहीं बनता है तो ग्राम निसरपुर के माध्यम से जो आज सभी गांव के लोग आए हुए हैं सभी के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे, और हमारे गांव का जो विकास की जो चीज़ है, हमारे यहाँ जो कन्या शिक्षा परिसर सेंसन हुई ये हम गांव के सभी लोग आपको ये वचन देते हैं कि हम इस कन्या शिक्षा परिसर को किसी दूसरी जगह नहीं जान देंगे, उसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़े चक्का जाम भी करना पड़े तो उसके लिए हम सभी ग्रामवासी तैयार है। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। आशुतोष सेन की रिपोर्ट।